अलोक निरंजन भिक्षाम देई भिक्षाम देई। अरे कोई बाबा आ गया क्या? लगता है मुझे बाबा की आवाज, देखती हूँ जाके मैं। अलोक निरंजन भिक्षाम देही। अरे क्यों, क्या हुआ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? आगे कन्या। हाँ बताइए। भिक्षाम देही। भिक्षाम दो? अरे बाबा तुम्हारे पास कोई काम धंधा है कि नहीं है? काम धंधा क्या बाबा, तो सन्यासी है बेटा। सन्यासी है किस चीज़? जहाँ गलियों में घूम घूम के मिल जाए बाबा, उसी से गुजारा कर लेते हैं। संतों का काम ही है गुजारा करना। अरे बाबा कुछ काम धंधा देखो। काम धंधे और मोह माया की किस को जरूरत? अरे बाबा, बाबा को तो सिर्फ दो वक्त का खाना चाहिए पुत्री। अरे बाबा इतने हट्टे कट्टे लग रहे हो मुझे, ने जे हाथ पैरों को चलाओ, कहीं काम देखो, ऐसे काम नहीं चलता है। ये तो मन की इच्छा और दिल की शांति है। बाबा संत बन गए तो बाबा की जिंदगी बन गई। अच्छा घर घर जाके इससे मन की शांति मिलती है क्या? हाँ। अब भिक्षाम दे। भिक्षाम दूं बाबा? ये होता क्या है भिक्षाम, मुझे ये बताओ। कुछ खाने के लिए अन्न दाना रोटी। कुछ खाने के लिए? जी। अच्छा चलो आप, तुम यही ठहरो, मैं देखती हूँ कुछ। भिक्षाम दे। इतना समय कैसे लग रहा है पुत्री? अरे बाबा समय लगता है, कहीं ढूंढती हूँ मैं अलमारी में, दुकान में ऐसा आई है पेटीकोट है मेरा, मैं इसे पहनती नहीं। क्या ये पेटीकोट पहनना आप? मूर्ख लड़की, बाबा का अपमान करती है। जा, बाबा तुझे श्राप देता है, तू पूरी जिंदगी कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी तुझे। अरे बाबा ऐसे बहुत बाबा देखे मेरे, 420 ही आते हैं। तूने देखे होंगे, बाबा का श्राप तुझे अवश्य लगेगा। बाबा सब ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। जाओ जाओ। हाँ सब 420 में रहते हैं, सब घर घर चले जाते हैं। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, टांग उठाए बाबा। ऐसे बाबा बहुत देखे हैं मैंने आजकल, सबके घर जा जाके ऐसे मांगते हैं, जाने 420 सबको घर को लूट के चले जाते हैं, आ जाते। मैं तो नहीं आती किसी की बातों में। अरे बाबा राम राम, बाबा राम राम। राम राम पुत्री। अरे बाबा बड़े क्रोधित लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो बाबा? अभी आ रहा हूँ इसी मोहल्ले से, यहाँ तो मूर्खों की बस्ती है। इसमें एक ऐसा घर है, उस घर की कन्या का कभी जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। अरे बाबा ऐसा मत कहो, तुम्हारे तो छुरी बतौर है, ऐसे मत कहो, ऐसे किसी को श्राप ना दो बाबा। हेलो निरंजन। बाबा राम राम। हेलो भगवान बचावे इनके क्रोध से, तो पता ना किसकी मट्टी पलीत हो गई। हे भगवान हे भगवान, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो ना है हमारी बहू ने कुछ कह दिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसी की मती मारी जावे, वो तो हर की से फिरती फिरे, पता ना क्या, जरा पता तो करूँ जाके। अरे बहू, अरे बहू जरा आ जल्दी से। आई सासू माँ। हाँ बताइए। अरे मैं तुझसे कुछ पूछना चाह रही, बड़ी हबड़ धबड़ आई हूँ मैं। अरे हाँ सासू माँ बताओ, सांस ले लो पहले, ठहरो ना। इस बुढ़ापे में तो सांस फूल ही जाती है, ऊपर चढ़ गई मेरी सांस तो। अरे तो तेरे ढंग से ना, आराम से मुझे बताओ बात क्या हो गई। आराम के चक्कर में छोड़ दे तू मेरा आराम, एक बात बता, कोई बाबा फाबा तो ना आए, बड़े क्रोधित होके गए, पता ना कहाँ ढोल फाड़ा। बाबा वो तुम्हें भी मिले थे? हाँ हाँ। अरे बाबा आए थे मेरे घर पे, मैं झाड़ू लगा रही थी जब। अच्छा तो तूने दे दी ना? नहीं भिक्षा विक्षा दे दी ना, खाना पानी खिला देती। हाँ पैर वैर धुलवा देती थी, थाल में रखो आके। ऐसे बहुत आ रहे हैं मेरे, तो जो पेटीकोट जिसे मैं पहनती नहीं थी ना, तो वो पेटीकोट उठा के दे रही थी, तो अचानक क्रोध हो गए, शराब दे के चले गई हूँ कह रहे थे। क्या कहा, क्या कहा जल्दी बोल। ये बोले जा तुझे शराब देता हूँ मैं, ऐसा करके चले गए। शराब? क्या शराब दिया, शराब तो मुँह से भाग। अब मैं भूल गई जी। याद कर ले तो बड़ा नट उठा लेना, वरना तो कहाँ है मेरा नट, सही बता जल्दी बता। काम के चक्कर में मुझे याद नहीं रहता है। कुछ तो कहा होगा सर आपने, जल्दी बता। उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई, वो मतलब इतना गुस्से में कह रहे थे, पता नहीं किस चीज का शराब दिया। हे भगवान लग रहा है इसने घर की मट्टी पलीत कर दी, ये हमें रोटियों का लाले करवाएगी, कटोरा हाथ में दिलवाएगी। अरे सासू माँ ऐसे बहुत तेरे आते हैं, ढोंगी बाबा होते हैं। चुप हो जाओ, तेरी मती मारी गई है, ढोंगी हो, हमारा दिल साफ होना चाहिए, चाहे ढोंगी हो चाहे तुम्हारे सामने चार गुना कर रहा हो, तुम्हारा फर्ज है उसे देने का, उसे दो। अरे, उससे बारे में। सासु माँ तुम मेरी बात तो सुनो पहले, तुम एक
एकदम चालू हो जाती हो जब देखो देखो वो मांग रही थी भिक्षान ठीक कुछ दाना पानी तो मैंने बनाया नहीं, मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं कह रही काम करके जब बनाती हूँ खाना तो मुझे नहीं देखा तो मैंने पेटी उठा के पेटी कोट दे दिया। बहुत बता वो संत होके संन्यास लिए हुए क्या वो हमारे धोती सलवारें पहनेंगे, तूने कैसी बात कर दी बहू, तूने तो बिल्कुल मट्टी पर, मैं जाके देखू लग रहा है इस घर का तो हो गया बेड़ा पार। सासू माँ हमारी सासू माँ भी पागल है जान किन किन की बातों में आ जाती है। भगवान पता ना कहाँ को गए इस बुढ़ापे में, मूर्ख का गांव है ये, इस गांव में कभी उसका भला नहीं हो सकता। ए बाबा बाबा रुक जा बाबा, तुम्हारे चरण पकड़ू बाबा चरण माफ। कौन है? अरे बाबा बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बस मैं तुमसे माफ। तुम्हें किस बात की माफी चाहिए? अरे बाबा 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 तुम पहले गुस्सा शांत कर लो तो फिर मैं अपने दिल की कुछ बोल पाऊँ तुमसे। बाबा बोलो। बाबा जिसे तुम शराब देकर आए हो मती मारी बहू मेरी यही बाबा। ए बाबा बाबा मुझे माफ कर दो मेरी। अच्छा नहीं नहीं आई वो तुम्हारी बहू है, उस घर का कभी भरा नहीं हो सकता। बाबा ऐसा मत कहो बाबा। और जो मैं वो करूंगी बाबा। एक बात अवश्य सुनो कान खोल के, अगर एक घंटे के पश्चात अगर तुमने गांव खाली नहीं किया तो उस गांव में आग लग जाएगी बाबा, और उस गांव में आग लगने का कारण तुम्हारी बहू होगी। बाबा बाबा धीम रखो बाबा धीम रखो। हेलो किरंजन बाबा को रंजन। हे भगवान इस लग रहा इस बहू ने मिट्टी खराब कर दी, अपने साथ साथ ये पूरे गांव वालों की बुराई हम में ही आग लगवाएगी, अब ये गांव कोई ना बचा पाए, ऐसा क्या करूं, अब तो लग रहा है बाबा को दोबारा पकड़ना पड़ेगा। हे भगवान कुछ तो करो, बाबा का गुस्सा शांत करवाओ, पकड़ो बाबा को बाबा। पहले तो बहू है अनादर करती है साधु संतों का। बाबा ठहर जाओ बाबा, तुम फिर से आ गई। बाबा ठहर जाओ बाबा, बाबा तुम कहो तो तुम्हारे पैर छू लूं बाबा, ऐसी बात दूर हटो बाबा बाबा प्लीज कुछ तो कुछ तो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने एक घंटे के अंदर ये गांव खाली नहीं किया तो इस गांव में विध्वंस आग लगेगी और इस गांव को जो छोड़ के जाएगा और जिसने भी इस गांव की तरफ पलट के देख लिया तो उसकी काया बदल जाएगी, वो किसी भी जानवर के रूप में किसी भी रूप में आ सकता है। हेलो किरंजन बाबा कुछ तो। हेलो किरंजन बाबा। हाँ। अब तो लगता है मिट्टी खराब हो गई। हे भगवान अब ना लगती है कोई नैया पास हो पाएगी, अब क्या करूं कहां जाऊं किससे कहूं, अगर गांव वालों से अगर ये बात कही ना सब मुझे ही पकड़ के मुंह में आग लगा देंगे। हाँ तेल डाल के हड्डी सबड़ी ने बचली, कुछ ना हो ना किससे कहूं, घर को ही जाऊं क्या करूं, बहू से ही कहूं छोरे से कहूं। अरे 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 मम्मी का है वो? अरे अच्छा वो छोरे तू आ गया, क्या है वो? मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या वो बताओ बात हो क्या गया? सुबह बाबा आए होंगे भिक्षान ने देवी भिक्षान। अच्छा है हाँ? तब बहू ने उन्हें अपना पेटीकोट दे के क्रोध कर दिया और अब मैं उनके पीछे गई। अच्छा? पैर पकड़े। अच्छा? माफी तलाबी करी। हाँ? लेकिन चोरे वो ना सुनने उन्होंने तो ये और कह दिया इस गांव में एक घंटे में आग लगने वाली है। तो फिर अब क्या करें? और जो पीछे मुड़ के देखेगा उसकी कहिया पार हो जाएगी। तो कुछ भी कछु बता के गए क्या करें? अब कुछ ना बताया, भाग गांव छोड़ के घर को चल। अरे तो फिर चलो फिर चलो चलो जल्दी इस बुढ़ापे में। अरे क्या करेंगे छोड़े, इनमें आग धर दे। अब सुन ले बाबा ने क्या कहा है, एक घंटे के अंदर इस गांव में आग लग जाएगी। आग लग जाएगी? इस अरे सासू माँ क्यों आ रही हो तुम उनके बातों में, ऐसे ही बोलते हैं सब बाबा होते हैं। तूने बंटवारा करवा जाओगे सब ऐसे ही बोलते हैं। एक चक्कर में पूरा गांव चलेगा गांव वालों को। अच्छा ये बताओ तुम ही आ जाना उनकी बातों में पर मैं नहीं आ रही, बताओ क्या करना है? क्या करना है? तैयारी करनी है। इतना सारा सामान एक दम कैसे बांधूंगी? चल 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 अरे अभी सोना है, इतनी जल्दी कैसे बांधू मैं? अरे जो भी कुछ है सारा बांध लूं। देख सोना चांदी जो है वो बांध ले। अच्छा कपड़े लगते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया देख ले वो बांध ले और सब में मार आग ले। अरे मम्मी इतना टाइम कहां जो जो है यार, आधा घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है। आओ आओ जल्दी आओ। बस सुनो कह रहा हूँ पीछे मुड़ के कोई हाँ, देखियो बहू मम्मी तुमने बताई मत देखिए। अरे मेरे जत्ता तेज ना भागा जा। अरे अरे मम्मी हाँ। मम्मी मेरे पैसा रह गए हैं है? और मेरा हार रह गया, मैं देखूं देखना। अरे पीछे मुड़ के मत देखना।
अरे ये कहाँ, हाँ ये क्या हो गया, ये तो बकरी बन गई। अरे राम, मेरी मम्मी को क्या हो गया, मेरे आदमी को क्या हो गया, बकरी बन गई, इसकी तो पूरी काया ही पलट गई। अरे दोनों देखो कैसे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे कैसे साथ में बैठे हैं, देखो ए भगवान क्या कर दिया ये तुमने। चलो भैया आओ, मम्मी आओ, आओ मम्मी आओ आओ, अरे आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम क्यों, देखो तुम्हें खाना दूंगी, अब तुम्हें खाना तो वैसे खाओगे नहीं, अब तुम्हारी सेवा करूंगी मैं, तुम मेरी मम्मी हो, ये मेरे आदमी हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी मैं मम्मी, तुम्हारा भी मैं बहुत ध्यान रखूंगी शिवम, तुम मुझे छोड़ के इतने से बकरी बन गए। आ जाओ आओ आओ आ जाओ, तुम मेरे बहुत अच्छे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम टेंशन मत लो मम्मी, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगी। हे राम क्या कर दिया तुमने मेरे पति को, मेरी मम्मी को बकरी बना दिया, मुझ पर नहीं देखा जाता इनका, मैंने ये क्या कर दिया, मेरी सजा ये दोनों भुगत रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आ जाओ। मैं क्या करूँ, इतना बोझ लेके मैं कहाँ जाऊँ अकेली, अरे भूखी होंगे मेरे मम्मी और मेरे पति देव, कुछ खिला दी हूँ चलो। अरे इसमें तो खाना है पर बकरी तो खाना नहीं खाती है ना, मेरी मम्मी तो बकरी है, मेरे पति देव बकरा बन गए, इन्हें तो हरी हरी घास की जरूरत पड़ेगी खाने को। मैं हरी हरी घास भी कहाँ से लाऊं, कहीं नहीं देख रही है, मैं भूखे होंगे दोनों जाने, खा लो। अरे बेटी पंडित जी, राम राम। राम राम बेटी, राम राम। अरे बेटी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। हाँ जी पंडित जी। तुम ये दोनों बकरियों के साथ इतना लगाव, मतलब ऐसे कैसे रहती हो? पंडित जी कुछ पूछो मत। क्या हो गया बेटा? ये मेरी जिंदगी है, इन्हीं के सारे मैं सब देखभाल कर रही हूँ, मेरी कहानी आप नहीं जानते हो, बहुत बड़ी है ये। मैं जिंदगी है तुम्हारी, मैं समझा नहीं, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, मेरी ये समझ लो, आपको बताऊंगी ना तो बहुत दंग रह जाओगे आप। अच्छा हाँ पंडित जी, मतलब ऐसा कैसे हो गया, ये जो दोनों बकरियां हैं मतलब इनसे ऐसा लगाव, मतलब इसकी क्या बात हुई ऐसी? बात ये हुई है पंडित जी के एक बाबा आए थे घर पे। अच्छा। हाँ, तो उनने शराब दे दिया मुझे, बहुत बड़ा, इतना बड़ा दे दिया कि उस शराब में मेरी गलती की वजह से। तो तुमने जरूर उस ब्राह्मण का अनादर या अपमान किया होगा। जी पंडित जी मुझसे गलती हो गई, आज उनकी गलती की वजह से मेरे ये पति देव है, मेरी ये सासू माँ है। हाँ पंडित जी मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, मैं बहुत इनसे, इनके अलावा ये तो तूने घोर अपराध किया, तुझे उन्हीं के दंडों का, उन्हीं के सांप का ये सांप लगा है, अब इस सांप से तुझे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अब पंडित जी अगर आपके कोई उपाय हो तो आप मुझे बता दो, मुझे मुक्त करो मुझे। तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसका दंड तो तुम्हें परमात्मा क्या, कोई भी नहीं बचा सकता इस दंड से। तो पंडित जी आप मुझे बता दो, मतलब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो पुत्री अगर तुम कह रही हो तो तुम्हें बताता हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। हाँ पंडित जी मैं सब दूंगी, मैं सब बलिदान दूंगी, पर मेरी ये दोनों सासू माँ मेरे पति देव सही। तो सुनो 16 सोमवार का व्रत करना होगा। 16 सोमवार? हाँ ठीक है। हाँ, और 16 सोमवार 1 घंटे तक 1 टांग से खड़े होके ओम नमः शिवाय का जप होगा, जप करना होगा। ठीक है, जब जाके तुम इनको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को, माँ तुलसी की सेवा करना, उन पर जल चढ़ाना, तब जाके तुम्हारे ये पति और ये तुम्हारी सासू माँ ये अपने स्वरूप में पुनः वापस आ जाएंगी। आ जाएंगी, ये मैं तुझे निवारण बता दिया है, और कोई श्राप तो नहीं दिया था? हाँ पंडित जी एक श्राप और दिया था। क्या? वो ये बोल रहे कोई पुत्र ना होगा कि यानी कभी माँ ना बन सकोगे। पुत्री तुम्हारे सासू माँ और तुम्हारा पति ये बकरी से इंसान तो बन जाएंगे जी, लेकिन संतान वाला जो श्राप है वो पुनः आपको ब्राह्मण जी ही दूर कर सकते हैं, वो साधु महात्मा ही दूर कर सकते हैं। तो पंडित जी इसका उपाय आपके पास? मेरे पास नहीं है इसका उपाय, मेरे पास नहीं है, मैं चलता हूँ। पंडित जी राम राम। राम राम।
अब मुझे ये फर्ज करना पड़ेगा, कुछ भी हो पर ये मैं जरूर करूँगी, क्योंकि इन दोनों को मैं सही करूँगी। मेरे कोई भी नहीं है इनके आगे पीछे, मैं ये कुछ भी कर सकती हूँ इनके लिए। मैं जो कुछ बन करेगा मैं करूँगी सब कुछ, पर इन्हें सही करना है मुझे दोनों को। वैसे तो मेरे 15 तो हो गए, आज 16वें दिन है मेरा। भगवान मेरी सुन लेना बस। अब मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहू बहू बहू, अरे रागनी बहू, अरे मम्मी जी, आप बकरी से सासू माँ बन गई दोबारा, आप भी पति से भगवान बन गए। ना मम्मी जी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रार्थना करी है। मम्मी जी मुझे तुम्हारी कोई मम्मी जी ना, हमारे सामने बैठ के खाना खा रही है, हमें घास खिला रही है, तेरा किया बना रही। हाँ तो मम्मी जी तुम्हारे मुंह में खाना दिया था, तुम तो थूक रही थी इसलिए घास खवा नहीं पाई मुझे। हमें खवा रही है तो तुम खाना क्या खा रहे थे? खाना तो थूक रहे थे, घास खा रहे थे। चलो एक बात सुन ले, आज के बाद तूने तेरी गलती की सजा ना हमें भुगतनी पड़ेगी। ना ना ना, कुछ ना हुआ कल मुई भी तो मैंने करा मैंने सही, तो मैंने भी तो मेरी बहुरी कर दूंगा वो किसी बाबा की वो बेचती की तो चल 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 चल।